आरती घुमाने का जो सही तरीका होता है और किस तरह आरती घुमाने से सही फल मिलता है उसके बारे में भक्त लोग जानना चाह रहे हैं, और हमारा भी आपसे निवेदन था कि हमारे भी आरती में शुद्धि हो जाए तो महान कृपा होगी। बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हम सब लोग आरती करते हैं, हर घर में आरती होती है भगवान की। आरती थाली में सजाया और आरती करने लगे, आरती की कोई गिनती नहीं होती, जब तक घंटे घड़ियाल बजते रहे तो आरती करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं। आरती के भी कुछ नियम हैं। आपने आरती जलाई, आरती का पूजन करें, आरती का भाव क्या होगा? सबसे पहले तो आरती का भाव यानी आरार्तिक्यम, आरती का क्या भाव? भगवान जैसे हम अपने छोटे बच्चे को कभी नजर लग जाती है ना, तो माताएं दीपक जलाकर और उसकी नजर उतारती है, ठीक उसी प्रकार हमारा यह भाव होना चाहिए कि हम भगवान के प्रभु की आरती के तो कई सारे नियम है, कई अर्थ है, लेकिन एक अर्थ ये भी है भाव अपने कि सुंदर हम भगवान की आरती, भगवान को जो दिन भर की नजर लगी है वो हम नजर उतार दें, जो भगवान की बला आप अपने ऊपर लें, आरती का ये नियम है। आरती ऐसे करके ऐसे घुमा के अपने यहाँ करनी चाहिए, यहाँ हृदय में लगानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की जितनी बलाएं हैं वो हम सब अपने ऊपर ले रहे हैं। जब आप ठाकुर के हो जाएंगे, ठाकुर आपके हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कोई बला रह न सकेगी। इसलिए आरती बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। एक श्लोक है, चार चरण को नाग मुख मंडल एक बार, आपने आरती सजाया, चार चरण को नाभि मुख मंडल एक बार और सात बार सर्वांग की आरती करत अपार। आरती कितनी बार घुमाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। आरती सबसे पहले जलाएं, आप आरती का पूजन करें, सबसे पहले भगवान ठाकुर के विग्रह, देवी हो या देवता, माँ के चरणों का विग्रह चरणों में ध्यान करके चार बार चरणों में घुमाएं। दो बार चूंकि ठाकुर के ब्रह्मांड सब कुछ समाया यही है, तो नाभि चार चरण दो नाभि, दो बार नाभि में घुमाए, चार चरण दो नाभि, चार दो छह, मुखमंडल एक बार, फिर सीधे होकर मुखमंडल पे एक बार घुमाए और सात बार सर्वांग की, फिर आरती को लेकर और ऐसे घुमाए कि भगवान के सिर से और फिर तक घुमाते चले गए। आरती का नियम ये है, चौदह बार आरती घुमाना चाहिए। आरती घुमाने के बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए, आरती में जल शीतलीकरण करना चाहिए, भगवान को आरती देना चाहिए। जलेन शीतलीकरण पुष्पै देवाभिवंदनम स्वयात्मा भिवंदनम, भगवान को आरती देने के बाद अपने आयु आरोग्य के लिए भगवान की उधारी हुई निरंजनी। आरती का एक अर्थ यह भी होता है, जिस तरीके से पंपा सरोवर में भगवान राम की मित्रता हनुमान जी ने कराई, तो कैसे कराई? अग्नि को साक्षी मानकर और भगवान राघवेंद्र और सुग्रीव ने मित्रता की कसम खाई, ठीक उसी प्रकार हम किसी भागवत में जाते हैं, भगवान की सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वह अग्नि हमारी साक्षी होती है, अग्नि को साक्षी मानकर हमने भगवान का पूजन किया। एक अर्थ ये भी होता है, अर्थ कई है, लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, पर आरती घुमाने का सही तरीका यही है, भगवान के चार बार चरणों में ध्यान करते हुए, फिर नाभि मंडल में एक बार और फिर पूरा सीधा होकर सात बार सर्वांग की आरती करना चाहिए। इस तरीके से आरती हम सबको मिलकर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं सभी भक्तों को जानकारी लग गई होगी कि आरती करने का सही तरीका क्या होता है और आरती क्यों की जाती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।